अगर इस गांव से हमारी कहानी होने का ताल्लुक न होता तो शायद ये गांव हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों गांव की तरह गुमनामी की हालत में रह जाता। ये है सावन, नाम यहां गुंडा नंबर एक, और ये है हरी, नाम यहां गुंडा नंबर दो। गांव में चारों तरफ उनकी धाक जरूर बैठी हुई है, मगर कभी उन्होंने उसे नाला इस्पाटा नहीं उठाया। और ये कौन महाशय हैं? ओ, ये तो इसी गांव के टट्टी की आड़ शिकार करने वाले मरुल लाला हैं। शायद कहीं जा रहे हैं। ये सब इतनी तादाद में टीम के लिबास पहने हुए सजे सजाए औरत मर्द जवान बूढ़े बच्चे सभी कहाँ जा रहे हैं? अरे इसमें जग्गू महाशय है, सावन और हल्का समर्थ, और कौन टुनटुन? जहाँ जग्गू हो वहाँ टुनटुन होनी चाहिए, लेकिन इस भाग दौड़ का मतलब क्या? ओ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया, आज की रात वो रात है जो हर 12 साल के बाद आती है। ये की रात है इसमें सारा गांव नदी किनारे जमा होता है और दिल खोल कर रैलियां मनाता है। गई हो कैसे तुम्हारी झलक गई हो ऐसे, कैसे की गली चमक गई हो कैसे तुम्हारी झलक गई हो ऐसे। ने मोहे आज कसम से, आज मोहे आज कसम से, घर का रास्ता भूल जाना नैन मिला के हमसे, आज नैन मिला के हमसे, कैसे लिया दिल मेरा हो, कैसे लिया दिल मेरा हो, कैसे लिया दिल मेरा जरा बोल प्यार से, बोले से मटक गई हो ऐसे, कैसे बिजली चमक गई हो कैसे। अजियो 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 अजियो। भैया मोरी काले भैया मोरी, कमर लचक गई हो कैसे, कैसे कमर लचक गई हो कैसे, कैसे तुम्हारी झलक
सजा बोल प्यार से गगरी छलक गई हुए थे। कैसे भी जली चमक गई हो कैसे चुनरी झलक गई हो। अच्छा तुम यहाँ खड़े हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। मैं भी बहुत देर से किसी को ढूंढ रहा हूँ। तो फिर ठीक है, जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ी है। वाह, ये मुंह और मसूर की दाल मेरी महारानी। मैं तुम्हें नहीं, अपने यार सावन को ढूंढ रहा था। अच्छा फिर ढूंढो सावन। अरे तुलसी, तुलसी सावन। अरे घर हरि को देखा तूने कहीं? हरि मिले तो सावन की बात हो, और सावन से मिले तो हरि को पूछे। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है, आखिर वो मेरा दोस्ती तो है ना। मगर दोस्ती का मतलब ये भी तो नहीं कि कोई किसी को अपना भी ना बनाए। क्या तुम ये समझ कर मुझसे दूर भागते हो कि नौरा का ख्याल तुम्हारी दोस्ती में पैर डाल देगा? नहीं गौरा, ये बात नहीं। तो फिर बात यह है कि वक्त आने पर सब कुछ हो जाएगा। कब आएगा वो वक्त हमारी जिंदगी में? गौरा तू तो बाल की खाल निकालने लगती है। अरे जैसे हरि का घर पास जाएगा उसके बाद अपना ही नंबर है। सच? हाँ सच, नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझे गौरा जैसी और कोई लड़की थोड़ी मिल सकती है कभी। अरे तुलसी ऐसे नहीं करते। तुलसी तुमसे बात नहीं करती। बस तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद नहीं है, जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाती हो। जरा जरा सी बात भी बिगड़ जाते हो। और नहीं तो क्या? तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है? हाँ मैं तो तुम्हें जहर लगती हूँ जहर। अगर दुनिया में तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो वो है तुम्हारा दोस्त सावन। तुलसी ये जरा सी बात है, तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो सावन अपनी जगह है, तुम अपनी जगह हो, और मैं तुम्हें इसलिए नहीं मिलता हूँ कि तुम और हम गांव में बदनाम हो जाएंगे। झूठे कहेंगे। अच्छा एक बात बता, इस वक्त यहाँ कौन है? इस वक्त यहाँ वो देखो चांद। इस पूनम की रात के लिए मैंने कितनी रातें जागकर गुजारी होंगी। तुलसी काश कि ये रातें इतनी लंबी हो जाती कि सुबह ना होती कभी। तुलसी फल खाओ। नहीं जुगवा के तो क्या हुआ? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? अरे तुलसी इसमें शर्म की क्या बात? तुलसी अरे इधर तो जरूर चाचा, तेरे इसी वक्त आना था क्या? अरे चोरी पकड़ी गई कि नहीं? चोरी पकड़ी गई? इसमें चोरी की क्या बात है भैया? चोरी क्या बात है? वो बिल्ली भाग क्यों गई? अब उसे शर्म आती है। मैं अभी सावन से जाके कहता हूँ कि हरि भैया गया काम से। जगू सावन से मत कहना तुझे मेरी कसम है। ये बोला बोला देखते वो जा रही है हिरनी। अरे हरे भगवान ने भी क्या रंग और रूप दिया है। लाला जी हाँ, अगर आप हुक्म दें तो अभी पकड़ कर लाऊं आपके पास। हाँ हाँ जाओ, लेकिन जरा होशियारी से, वो हरि और सावन भी यहीं कहीं घूमते होंगे। हरि और सावन? बल्लम ने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी है। देखो तो सही। तुलसी 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 क्या हुआ? तुझे आंखें खोल, देख मैं आ गया। तुलसी देख सावन सावन सावन। राम राम राम,
घोर कलयुग आ गया है। लाला जी, तुमने भी किसी की चीखने की आवाज सुनी क्या? चौधरी, आवाज सुनी ही नहीं बल्कि आंखों से देखी है। वो देखो, तुम भी देख लो, वो हरी तुलसी को उठाकर ले जाना चाहता है। चौधरी, कभी अपने गांव में तुमने इससे पहले ऐसी बात सुनी थी? ऐसा चलो, चलो चलो। सावन, हरी हरी, ये क्या हुआ? हरी सावन, कुछ पता नहीं चलता, तुलसी बेहोश पड़ी, न जाने से क्या हो गया। क्यों झूठ बोलते हो हरी? सावन, तुम लोगों को कोई हुंडा कह दे तो मरने बाद में बता रहते हो क्या? हरी ने शरीफ जैसा काम किया, तुलसी की इज्जत डूबना चाहता था। चौधरी, चौधरी तुम्हारी गीदड़ भक्की में आने वाला नहीं। चौधरी की बाह में अभी इतना कसबल है कि वो तुम जैसे कमीने शरीर हुंडों को अभी ठीक कर सकता है। बस चौधरी, इससे ज्यादा मुझे एक लफ्ज भी और नहीं चाहिए। मेरी शराफत को ज्यादा मत आजमाओ। और क्या होगा? ये होगा कि ना तुम्हारा ये मुंह रहेगा, ना एक कैंची से चलती जबान। चौधरी को धमकाता हरी। बस ठहरो हरी, पहले तुलसी को होश में आ जाने दो, फिर हम देखेंगे इन लोगों को। तुलसी, 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 कहाँ है ये बदमाश? कमीना गली कुत्ता, तुझे उठाते हुए उसे शर्म नहीं आई? आखिर वो था कौन? मालूम नहीं कौन था, बस अचानक उसने पीछे से हमला किया, जब मैं चिल्लाई तो वो भाग गया। लेकिन हमने सुना कि तुम्हें हरी उठाकर जाना चाहता था। ये झूठ है, हरी मुझे क्यों उठा कर ले जाएगा? हरी को तो खुद मैं अपनी मदद के लिए बुला रही थी। सुन लिया चौधरी, अब भी हम गुंडा कहोगे? कोई बात नहीं है हरी, हम खूब जानते हैं कि गुंडा कौन है, वक्त आने पर देख लिया जाएगा। चलो बलनम, बरसों से इस पूनम की रात का इंतजार था, मगर इन कुंडों ने सारी उम्मीदें मट्टी में मिला दी। मगर लाला भी जिद का पक्का है, जब तक तुलसी को हाथ ना कर लेगा सारी जिंदगी चैन से नहीं बैठेगा। तुम आ गई? देखो जगू, देख, एक डालडा का डिब्बा, एक आने का नमक, दो आने का गुड़, चार आने की हल्दी, एक अगरबत्ती, चाय की पत्ती और चार आने की मूंग की दाल। अरे ये तुम्हारे मुंह के हवाई जहाज को जरा रोको, तुमने मेरे भिड़े को क्या समझ रखा है? अखबार छापने का मशीन? हाँ हाँ। अच्छा पहले ये तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे याद नहीं आ रहा। भूल गई ना? मुझे याद है, देखो, नमक, गुल, मिर्ची, अगरबत्ती, चाय की पड़ी की और डालडा का डब्बा, यही है ना? सुन लिया ना, पड़ी की तैयार करो। मुझे याद नहीं रहा, सारा सामान तुम्हें याद हो गया? मेरी टिंटिन की चीजें मैं भूल सकता हूँ, मरने के बाद भी नहीं भूलूंगा। जग्गू, ये पैसे कितने हुए? अरे पैसे की बात रहने दे, तेरा हिसाब किताब तो चौपड़ी में लिख के रखा है। जग्गू मेरा हाथ छोड़, बापू ने देख लिया तो तेरा और मेरा दोनों का पता बना देगा। बापू का नाम नहीं ले रहा, मेरा सारा खून सूख जाता है, कहीं वो रावण सिंह आ गया तो तेरी और मेरी दोनों की चटनी बना देगा। अरे बेटा ना जल्दी, बहादुर है मेरा पिता, हो गया सब सामान। जगू मैं चलूंगा अभी। एक हल्का सा गाना सुनाओ, मैं तुम्हें गुड़ खिलाऊं। जरा दूर से जग्गू, जग्गू समझो इशारे, तुम तुम पुकारे, टैं टैं टैं, छोटे से बलमा मोरे आंगना छोटे से। सावन भैया, मैं गुड़ की भेली लेने आई थी। जग्गू जरा जल्दी गुड़ की भेली, तुम तुम गुड़ की भेली। ये ठाट है जग्गू दादा, सुबह से हरी भी कहीं नजर आया? अब हरी कहाँ से नजर आएगा? क्यों? हरी तो अब दाल रोटी के पीछे लग गया सावन भैया। मैं समझा नहीं तुम्हारा मतलब। मतलब ये है कि हरी की माँ सुबह आई। अच्छा। वो कहती थी कि हरी की शादी तुलसी के साथ पक्की कर दी। पक्की कर दी? हाँ। अब यहाँ क्यों आएगा? अब वो तुलसी के चक्कर में कहीं नदी या कुएं पे घूमता होगा। अरे रुक जा, मैं अकेली रह गई। अरे सुनो, तुलसी अकेली रह गई है तो क्या हुआ? राधा को अकेले देखकर कहीं यहाँ पहुँचेगा? अरे कहीं या नहीं तो फिर गुंडा कहो गुंडा। चूरी, उठाई जबान और लगा दी तालू को, क्या मेरा हरी गुंडा है? और नहीं तो क्या, तो बुरा मान या भला, सावन का दोस्त तो गुंडा ही कहला रहा। और अगर दोस्ती नहीं रही तो नहीं कैसे रहेगी? उन दोनों में तो दांत काटी रोटी है। हुआ करे, जरा मेरी शादी तो हो जाने दे, फिर देखना। तू क्या करेगी? मैं उस गुंडे सावन की हवा भी नहीं लगने दूंगी अपने हरी को। अरे चलो रे, बड़ी देर हो रही है। हाँ हाँ चलो, तुलसी फिर आ जाएगी। हाँ हाँ जा, मुझे किस बात का डर, मैं अकेली ही आ जाऊंगी। कौन है? कौन है बदमाश? कौन है बदमाश? किसने मेरा घर तोड़ा?
क्या है? तूने मेरे घर छोड़े हैं? मैं अभी तुझे बताती हूँ। सुन सुन माँ, अरे अरे, हाथ टूट जाए, मेरी जबान में कीड़े पड़ जाए, मुझे मौत आ जाए, मैंने पता नहीं ना जाने क्या क्या बन दिया। अरे मेरी माँ रानी, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। पगली, मैंने तो तेरी पतली सी कमर का वजन हल्का किया, तेरे सर का वजन हल्का किया, तूने मार मार के मेरे कंजूस हो जा दिए। लाओ मैं दबा दूँ। लाओ मैं दबा दूँ। यहाँ दबाओ, यहाँ दर्द हो रहा है। नहीं, यहाँ दर्द हो रहा है। अरे सुन मेरा हाथ, तू देख लेगा तो क्या कहेगा? कहेगा? अरे अब तो तुम्हारी वही शादी पक्की हो गई है, कहेगा क्या कोई? शादी पक्की हो गई, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा जी, ये बात है तो मैं भी जाके माँ से कहता हूँ मैं तुम्हारी वही शादी की तारीफ पक्की कर दे। लो ना ये चला। गजब हो गया लाला। क्या हुआ मल्लम? तुलसी की शादी हरी के साथ पक्की हो गई। आए? उस गुंडे के साथ? हाँ लाला, अब सिर्फ शादी का दिन तय होना बाकी है और सब कुछ हो गया। कुछ नहीं हो सकता मल्लम, तुलसी की माँ को लाला की मर्जी हासिल करना ही होगी। वो क्यों? वो इसलिए कि मेरे पास उनकी 2000 की कुर्की मौजूद है, जो कि रुपया उन्होंने कर्ज लिया था। मगर लाला, तुम्हारे कर्ज से तुलसी की शादी का क्या संबंध? चाचा, मैंने तुलसी की माँ से वायदा लिया था कि वो जब तक मेरा रुपया नहीं दे देगी तुलसी की शादी नहीं करेगी। मगर वहाँ तो शादी की शहनाइयाँ बजने का इंतजाम हो रहा है। बजने दो मल्लम, लाला भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेला है। तुम देखोगे कि हरि के घर शादी की शहनाइयाँ बजेंगी और तुलसी के घर नीलामी की डुगडुगी डुगडुगी, समझे बल्लम? जी लाला। तुम तैयार रहना, मैं मौके की ताक में ही, मेरा इशारा पाते ही शहर से जाकर अपने वकील को फौरन ले आना, और देखो देर नहीं करना। नहीं लाला, बस समझ लो बल्लम गया और आया। अरे शाबाश बल्लम, फल खाओ। जग्गू, 1 डिबिया पीला हाथी, 3 डिबिया पासिंग शो, 3 डिबिया दिया सिलाई। ये लो पीला हाथी, ये लो पासिंग शो, ये लो दिया सिलिया। क्या बात है बल्लम, बिड़िया छोड़ के सिगरेट पे आ गए, कहीं लाला के तिजोरी पे हाथ तो नहीं मारा? नहीं जग्गू, लाला के ही तो काम से शहर जा रहा हूँ। शहर जा रहे हो? शहर जाने के पहले मेरी उधारी चुकती कर दो, वापस आ जाऊंगा और अदा कर दूंगा। और तुम नहीं आए तो? नहीं, कैसे आऊंगा, लाला के काम के लिए वकील साहब को जो लाना है। वकील साहब को लाना है? वो क्यों? ये बात किसी से कहना नहीं, लाला रामनाथ के घर खुशी लाना चाहता है। मगर आज तो तुलसी की शादी है। तो क्या हुआ, ऐसे मौके पर ही तो लाला तीर चलाना चाहता है। अपने को क्या कोई तीर चलाए बंदूक चलाए, मगर शहर जाने से पहले मुंह तो मीठा कर लो। नहीं जग्गू, मुझे शहर जाना है, वकील आए, नहीं तो देर हो जाएगी। शुभ काम करने से पहले मुंह मीठा करना अच्छा शगुन होता है। थोड़ा सा मुंह तो मीठा कर लूंगा, मेरे जाने से काम तो जरूर हो जाएगा ना। ये कोई बात है, मुंह मीठा करने के बाद काम नहीं होगा। लो प्यारे, और थोड़ी सी ले लो। बस बंगो लंगू, जग्गू जग्गू। हाँ जग्गू जग्गू। कितनी उंगलियां है? 2। अब कुछ बात हुई? हाँ, मुझे शहर जाना है, वकील को लाना है, रामनाथ का घर नीलाम कराना है। जरूर जरूर, अब तुम नीलाम की बोली बोलने लगे। बस मंगो, गिलास का तो नीलाम कर दो। बस मंगो मंगो, तू ही एक सच्चा दोस्त है। हाँ, मुझे जाना चाहिए, मैं जाता हूँ। अरे 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 अरे, आया बल्लम अभी तक नहीं आया। चाचा, जैसे ही बल्लम आए तो मुझे खबर करना। जाओ तुम लोग, पता बल्लम गया और आया। Oh, my God.
नमस्ते। नमस्ते। क्या किसी का इंतजार है? जाना अपना काम करो। चलो काम मैं तो काम करके आया हूँ। बिल्कुल पूरा। टुनटुन कहाँ है? बाजार अपनी माँ का नाम लिया तो मतलब शादी तो हुई जा रही है, कब आएगी खुलती? मैं खुद परेशान हूँ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि बल्लम के जिन्ने कोई काम दिया है और उसने वक्त पर पूरा ना किया हो। मगर अब क्या, मगर ये मौका हाथ से निकल गया तो बल्लम के आने का फायदा जता दिया था, फिर भी कमबख्त न जाने कहाँ मर गया। कहता था कि बल्लम गया और आया। बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। मेरे भाग की कसम, मुझे शादी में देखना है तो मैं लाला मेरी जान निकाल देगा। अब जल्दी भर, जल्दी भर। इतनी देर कहाँ लगा दी? वहाँ वकील साहब कहाँ है? ओ मेरी तौबा लाला, मेरी तौबा। क्या हुआ? जल्दी मुझ, मैंने दुनिया देखी है लाला, मगर ऐसा शराबी आज तक किसी के जान सकते हो? वकील साहब ने शराब पी रखी। अरे लाला, लोग क्यों शराब को पीते हैं, मगर उसे तो शराब ने पिया था। और क्यों था नशे में? सोचा कि कंधों पर उठाकर ले चलूं, मगर उसकी एक कलबी तो सीधी नहीं थी लाला। मेरी बात मानो तो ऐसा वकील ढूंढो जो शराबी ना हो। अबे वो शराबी और दूसरा तू कबाबी, दोनों ने मिलकर लाला का बेड़ा गर्क कर दिया है। और चलो अब मुंह दिखाने के लिए शादी में तो शामिल होना ही पड़ेगा। बल्लम गया और आया। चल चलो। किसका इंतजार हो रहा है गौरा? और किसका होगा? सावन का। तो क्या भेज दूं सावन को? हाँ हाँ चंपा, सावन से कह दे कि मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म होने से पहले वो आ जाए।
देखेगा पकड़ो। हाँ अब बोलो जरा कि तुमने मुझे बुलाया है? क्यों बुलाया? जैसा कि कुछ जानती नहीं, खुद ही कहते हो और फिर भूल भी जाते हो। भूल जाता? ओह अब मुझे याद आया। क्या मेरा सर याद आ गया? हरी की शादी को हुए तो महीने बीत गए, आए बड़े बहाने बनाने वाले। अरे अब तो अपना ही नंबर है। बात यह है कि हरी की शादी के बाद से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। पहले मैं उससे मिल लूं। क्यों? इसलिए कि हरी की शादी में मैंने उसकी मदद की थी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी में हरी भी मेरी मदद करे। फिर देर किस बात की? देर? देर तो किसी बात की नहीं। तुमने मुझे यहाँ बुला के खामखा देर करवा दी, वरना मैं तो अब तक हरी से सारी बातें तय कर लिया हूँ और हमारी शादी भी हो चुकी होती। हाँ, यही ना? हाँ। आए बड़े शरीर कहीं के। ये शादी तो होके रहेगी गौरा। सावन के दिल में सिवाय गौरा की और कोई नहीं। सच? हाँ गौरा। तुमने मुझको लव सिखाया याने प्रेम सिखाया, सोए हुए हार को जगाया। कौन है? अरे अबे ये क्या कर रहा है? ये घर है कि धोबी घाट है? अरे ये तो अपना घर है, मैं अपने घर में कुछ भी करूंगा। अच्छा ये ठाट है? मालूम होता आज टुनटुन से मुलाकात हुई थी। अरे उसने मुझे तो प्रेम सिखाया। तुम ऊपर आजा। अच्छा हरी आया था क्या? ऊपर आजा, ऊपर आके बात करो। जिस दिन बेटा तुम्हारी टुनटुन से मुलाकात हो जाती है ना, उस दिन दूसरों की आस आ जाती है। अच्छा ये तो बता कि आज हरी आया? मेरा ख्याल है कि शादी के बाद हरी तुमको भूल गया समझो। अरे नहीं जग्गू, ऐसा नहीं हो सकता। हरी उन दोस्तों में से नहीं है जो मुंह देखे की मोहब्बत करे। अरे हरी तो उन दोस्तों में से है कि अगर मुझे कांटा चुभे तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ। अगर मुझे तकलीफ हो तो वो मुझसे ज्यादा दुखी हो जाता है। हाँ। वो मेरा ऐसा दोस्त है। अच्छा। हाँ। तो इतने महीने हो गए शादी को, अभी तक तुम्हारी खबर भी नहीं ली उसने? हाँ जग्गू, यही एक चीज है जो मुझे खाई जा रही है। न जाने और कितने दिन खाती रहेगी। अच्छा ये बात तो हरी के आने पर छोड़ो। लेकिन आज अबे क्या हजरा? मेरी टुनटुन इतना बड़ा मटकावर कैसे ले लाए? जो तुम्हें पसंद है मैं अभी लाता हूँ। नहीं नहीं जग्गू, हरी के बगैर मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मैं जाने क्यों मेरा दिल उदास रहता है। अगर मेरी बात मानो तो तुम्हारी ये उदासी यूं चुटकी में दूर हो सकती है। अच्छा? हाँ, हरी की तरह तुम भी टिपस चढ़ाकर कहीं दार उठे से लग जाओ। जोरू का मुंह देखते ही आदमी सब कुछ भूल जाता है। अमा दोस्त को भी भूल जाता है? दोस्त को क्या, माँ बाप को भी भूल जाता है। तो फिर वो आदमी नहीं होंगे जग्गू, जानवर होंगे। आजकल दुनिया में जानवर ही ज्यादा है, आदमी सिर्फ दो ही है, एक तुम और मैं। और फिर मैं भी क्या हूँ? मजाक छोड़ो यार। असली बात यह है कि तुलसी जवान और खूबसूरत होने के अलावा हंसना रोना भी खूब जानती है। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? अरे हरी यहाँ आना चाहता होगा तो तुलसी मुस्कुरा के रोकती होगी, ना जा। उसके बाद रोक के कहती होगी, कहाँ जाते हो? अच्छा। तो उसके बाद लगावट से कहती होगी, ऐसे मचल के नैन बदल के, ऐसे मचल के नैन बदल के, छोड़ के बहिया रे कहाँ जाते हो सैया, कहाँ जाते हो सैया, कहाँ जाते हो सैया।
ताली बजा रहा है। अरे कोई नहीं, मेरा दोस्त सावन है। सावन देखो वो अभी तो यहाँ आया है, लेकिन उससे कह दूंगी यहाँ फिर कभी ना आए। ये कोई जग्गू की दुकान नहीं है, एक शरीफ आदमी का घर है। यहाँ हर कोई अरा गरा नथु खरा नहीं आ सकता। तुलसी आहिस्ता कहो, सावन सुन लेगा। सुन लेगा तो सुन ले, हमसे क्या मतलब। लेकिन तुलसी तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि एक मर्द अपनी औरत की खातिर दोस्त को नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो दोस्त दोस्त हो तब ना, वो तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है, आवारा है, लफंगा है। तुलसी तुम नहीं समझती हो, मुझे जाने दो सावन के पास। सावन ना आया। सावन सावन मेरे पास तू तो भी नहीं था। कहाँ तू सब सावन, मैंने तुझे कितना पुकारा लेकिन फिर भी तुम वहां से चले आए। और नहीं तो क्या, तुम्हारी जोरू की गालियां सुनने के लिए वहां रुकता। सावन ऐसा न कहो सावन, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए तुम्हारी सूरत देखने के लिए घर पहुंचा। वहां जाकर जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना, काश काश हरी तुम मेरे दोस्त न होते। सावन ऐसा ना कह। सावन अपने दोस्त हरी से ऐसा कह रहा है? तुम तो जानते हो कि वो नादान है। वो नादान है लेकिन तुम तो नादान न थे। वो मेरे नाम पर थूकती रही और तुम देखते रहे। वो मुझे लफंगा और आवारा कहती रही और तुम सुनते रहे। लेकिन सावन ऐसे वक्त मैं क्या करता? तुम उसे रोक सकते थे, उसका मुंह बंद कर सकते थे, उसकी जबान खींच सकते थे, लेकिन तुमसे कुछ भी ना हुआ, इसलिए तुम्हारी गैरत मर चुकी है। तुम जरू के गुलाम बन चुके हो हरी, जाकर उसके निशानों पर नाचो। यहां क्या लेने आए हो? सावन सावन अपने दोस्त हरी से ऐसा न कह। सावन मैं तुझे लेने आया हूं, तुझे मेरे साथ घर चलना होगा। मैं नहीं चलूंगा, अब वो घर मेरा घर नहीं रहा। सावन वो तेरा घर है, उसमें तेरी भाभी है, तू उसका जेठ है, तू उससे लड़ सकता है, झगड़ सकता है, जो चाहे कह सकता है। सावन वो तुझसे माफी मांगेगी। सावन अगर इस मामले में कुछ भी बोल जाऊं तो तू मेरा जूता मेरे मुंह पर मारना। तेरा जूता तेरे मुंह पर क्यों, उसके मुंह पर क्यों ना मारू? सावन मुझसे जो कहना है कह ले, लेकिन मेरी औरत से ऐसे ना कह। सावन हरी वो औरत नहीं है, वो नागन है हरी। उसने हमारी दोस्ती में जहरी जहर फैला दिया है। जी चाहता है कि उसका सर कुचल दूं। सावन तो तुलसी अपने दोस्त को छोड़ भी आया। छोड़ाया? मैं सब समझती हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे गोली से मार दू। तुलसी अच्छा छोड़ो इस बात को, अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं तो मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता तुलसी। अरे सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगे। मालूम है माता जी ने कहा है
अब मुझे घर का कोई काम काज नहीं करना चाहिए, कोई भारी चीज भी उठानी नहीं चाहिए, ज्यादा क्रोधान भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी तुम यहाँ से जाओ, तुलसी तुम यहाँ से जाओ। हे राम, इन्हें क्या हो गया है? कहीं सावन लूट तो नहीं गया? अरे सावन भैया, माफ करना, पहली दफा अकेले देखा है इसलिए नहीं पहचाना, मैं दूर से समझा कि कोई बहुत पी गया है। हाँ लाला, बहुत पी गया, लेकिन ये मत पूछो कि क्या पी गया। हाँ बस सुनो तो सावन, तुम भी पी गए हो, हम भी पी गए हैं, लेकिन नशा किसी को भी नहीं है, मेरी बात मानो तो चलो थोड़ी थोड़ी और चख लें। नहीं लाला। हाँ सुनो तो सावन, बात तो सुनो भैया, कभी तो अपना कहना मानो। अरे चलो चल, थोड़ी थोड़ी चखें, आ जाओ आ जाओ, चलो ना गरीब खान, चल बिजली बेटा। सावन लो पियो। नहीं लाला, लाला अपने सावन ही लाला, साथी का हाथ नहीं रोकते कभी। मुझको इनसे काम क्या, रास्ते में आग खोली, रास्ते में हूँ मैं नशे फिर भी मुझसे रहना दूर
से रहना दूर दूर। ऐ शरीफों मैं मिलूं तो मुझसे कहना दूर दूर। जानवर हूँ आदमी तो देखने में हो, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। दोस्तों ने जब से छोड़ा मैं मजे में हूँ, मैं नशे में हूँ। ढूंढ निकालूंगे। हाँ गौरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती, मगर मेरा उनके पास रहना बहुत जरूरी है। तुम चिंता न करो तुलसी, तुझे मेरे पास गौरा। तुम घर जा, मैं सावन को लेकर अभी आती हूँ। जाओ बेटी, मैंने भी उसे कई दिनों से नहीं देखा है। तो क्या वो घर भी नहीं आते? नहीं बेटी, मैंने सुना है आजकल वो नदी पार के उस भयानक खंडर में पड़ा रहता है, जहाँ भेड़िया अपनी प्यास बुझाकर आराम करते हैं। सच कहते हो चाचा? ठीक कह रहा हूँ बेटी। परेशान होती है सावन। लेकिन इस भयानक खंडर में तुम क्यों आई? अपनी जिंदगी को ढूंढने आई हो। यहाँ मौत के सन्नाटे के सिवा कुछ न पाओ की कर। यहाँ वही नामुराद इंसान आते हैं जो अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझते। लेकिन मौत के गोद में सर रख देने से तो मौत नहीं आती सावन। अभी किसी की जिंदगी को तुम्हारी बहुत जरूरत है सावन। इंसान की जिंदगी की सारी जरूरतें कभी पूरी नहीं होती गौरा। जाओ, अंधा कुआं क्या किसी की प्यास बुझा सकेगा। जाओ गौरा, जाओ। ऐसा न कहो साहब, ऐसा न कहो। मैं अपने दिल में कितनी आशाएं लिए बैठी हूँ। तुम्हें कैसे समझाऊं सावन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। जाओ गौरा जाओ, सावन के दर्द को तुम नहीं समझ सकती, उसके टूटे हुए दिल की पुकार को तुम नहीं सुन सकती। मैं जानती हूँ सावन के टूटे हुए दिल की पुकार एक हरी के सिवा। गौरा, खबरदार जो उसका नाम अपने ऐसा न ले। लेकिन सावन, सावन, मैं हरगिज उसका नाम तुम्हारे सामने न लेती, लेकिन वो बेचारा मौत के बिस्तर पर पड़ा हुआ है। क्या कर रही हो गौरा? मैं सच कह रही हूँ सावन, दवाएं बेकार साबित हुई,
वैद्य ने जवाब दे दिया, कहते सारे बदन पे जहर फैल गया है। हरी के बदन पे जहर फैल गया? पानी पी ले बेटा, लो लो लो। सावन नहीं आया, वो आ जाएंगे। सावन एक घुट पानी पी लो। सावन सावन हरी हरी सावन हरी मैं आके हूँ हरी, हरी तुम्हारा दोस्त सावन। हरी को क्या हुआ? मैं कुछ समझ में नहीं आता बेटा, खाना पीना सब छोड़ दिया है। जब होश में आता है तो सावन सावन कहकर पुकारता है। हरी हरी आंखें खोलो हरी, मैं हूं सावन। सावन आंखें खोलो हरी। सावन सावन कैसी तबीयत है तुम्हारी? तुम कैसे हो सावन? मुझे तुम्हारा इंतजार था। इंतजार? बिस्तर पकड़ लिया और मुझे खबर तक न दी, मुझे बुला क्यों न दिया? अभी मुझे बुला क्यों न दिया? किस मुंह से बोला था सावन? ये अपना बुरा था। पागल है तू पागल, कहीं पानी पर लाठी मारने से भी पानी छुटा होता। अरे हरी सावन और सावन हरी, हवा की भी ताकत नहीं कि हमारी दोस्ती के बीच से गुजर जाए। नहीं सर, नहीं, अब वो बात नहीं रही सावन। वही बात है हरी, वही बात है। सावन और हरी की जोड़ी बिछड़ भी अलग नहीं हो सकती। अगर तुझे शक है तो आ, एक बार हम फिर हाथ मिलाकर अपनी दोस्ती को हमेशा के लिए अमर कर। लाओ हरी, बढ़ाओ अपना हाथ। नहीं सर, क्या तुम्हें अभी मुझ पर शक है? नहीं सावन, नहीं सावन, नहीं सावन। हरी हरी ये तूने क्या किया? हरी ये सिर्फ काबिल था सावन, ये सिर्फ काबिल था। छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा है, इसका फौरन इलाज होना चाहिए। अब बहुत देर हो गई सावन, अब मुझे जाना है। तुलसी तुलसी चिंता नहीं करना, मैं वचन देता हूं। हरी की मौत के बाद सावन की दुनिया ही बदल गई। बेपरवाह और लाओबाली सावन को अब एक ही धुन लगी है और वो अपने दोस्त हरी के कुंडे की परवरिश। तरह 7 साल तक खून पसीना एक करके मेहनत मजदूरी का हर वो काम करता रहा जिससे हरी के घर की जरूरतें पूरी। लेकिन ये न समझिए कि अपने कौल के सच्चे और धुन के पक्के सावन की जिंदगी में कोई दिलचस्पी ही न थी। हरी के बिछड़ने के बाद उसकी लड़की सरोज सावन की दिलचस्पियों का मरकज बन गई। ओ
अरे कहिए ठेकेदार साहब, क्या हाल है? क्यों सावन, आजकल बड़ी मेहनत हो रही है। हाँ भैया, अब मैं अकेला नहीं रहा, मेरे साथ एक छोटा सा कुत्ता भी है। बहुत अच्छे, मगर इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद तुम क्या कमा लेते हो सावन? इतना कमा लेता हूँ कि इज्जत और आराम से गुजर हो जाती है। मगर वो काम क्यों नहीं करते जिससे मेहनत कम करनी पड़े और पैसे ज्यादा मिले? यानी? मेरा मतलब ये है कि नदी के पार पहाड़ी है, उसे तोड़ने का ठेका ले लिया है मैंने। अच्छा अच्छा, 4 रुपया रोज दूंगा, मेरे यहाँ नौकरी कर लो। क्या तुम्हारे यहाँ नौकरी कर लो? 4 रुपए का लालच देकर गांव वालों को यह बताना चाहते हो कि तुमने सावन को खरीद लिया? अरे भाई सावन भैया, तुम नौकरी के नाम से चिढ़ क्यों गए? खफा क्यों हो गए? शेर के पैर में किसी ने जंजीर डाली है। जाओ भाड़े के टट्टू कहीं और से लाओ। मगर मेरी बात तो सुन लो जरा। जाता है कि नहीं? अरे हाँ जाता हूँ भैया, माफ करना। हाँ माफ करना सावन भैया, माफ करना। सरोज अरे अरे, तू झाड़ पे क्या कर रही है? अरे वो बंदरिया दरख्त पे क्या कर रही है? लिखिया चल लिखिया, तू ऊपर से पूछा, मैं संभालूंगा। और मैं गिरी तो? तू नहीं गिरेगी पगली, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं गिरेगी। अरे आ जाना। घर आ गया, घर आ गया। ओ माँ, माँ हम आ गए। अरे ये क्या सावन भैया, एक तो इतना बोझ और दूसरे कांधे पे ये, क्या ये बला चल नहीं सकती? चल तो सकती बला माँ, मगर मैं नहीं चल सकती। अब बोलो भाभी। हाँ अब बोलो माँ। माँ क्या बोले तेरा सर? आजा सावन भैया, तुमने इसको बहुत सचावा रखा है, बड़ी होके तुम्हें ही तंग करेगी। अरे नहीं भाभी, मेरी सरोज बहुत सियानी है, बहुत प्यारी बच्ची है ये। अच्छा बेटे अब हम चले। हाँ नहीं अरे नहीं 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 आजा, नहीं 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 देखो रोना नहीं, हम तुम्हारी अभी तारीफ कर रहे। और तू जानती है बेटा कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अच्छा देख, अगर तू मुझे अब जाने देगी ना, तो मैं तेरे लिए शाम को इतना बड़ा इतना मीठा लंगड़ा आम लेके आऊंगा। अच्छा? हाँ सच बेटे। अच्छा भाभी आज जरा सामान उतरवा लेना मुझे जल्दी। हाँ देखो बेटा, मेरा सब काम बंद पड़ा है, मैंने लाला की बड़ी मिन्नतें की, मगर वो एक ना माना और मेरी बैलों की जोड़ी खोल कर ले गया। लेकिन तुमने उसे ले जाने क्यों दिया चाचा? मैंने अपने बैल गिरवी रखे थे उसके पास, अब अगर ये ठेके का तेल कल तक मैं शहर न पहुंचा सका तो मेरी साख बिगड़ जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूंगा बेटा। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा, तुम किसी और के बैल क्यों नहीं ले रहे थे? मगर लाला के डर से मुझे अपने बैल कोई नहीं देता। अगर तुम इस वक्त ये गाड़ी चलाकर मेरी मदद कर दो तो मैं ये समझूंगा कि इस गांव में मेरा भी कोई है, मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दे दूंगा बेटा। इस बात की तुम फिक्र न करो चाचा, लाला तुम्हारे बैल ले जा सकता है, गांव वालों को डरा सकता है, लेकिन सावन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे? तुम जाकर इत्मीनान से घर पे सो रहो, तुम्हारा सारा काम ठीक हो जाएगा बस। अच्छा बेटा। हाँ सावन बेटा, सामान यही रखा है? सामान सब कुछ। बस बस चाचा फिक्र मत करो। श्यामू चाचा, और कौन से चाचा? श्यामू चाचा, श्यामू चाचा, श्यामू चाचा कहाँ चले गए? श्यामू चाचा। अरे सावन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं श्यामू चाचा की मदद कर रहा हूँ। तुम तो जानती हो कि लाला ने उन्हें बहुत तंग रखा है और मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। अच्छा, किसी को दुख नहीं देखा जाता? नाराज हो गई क्या? हा? नहीं तो क्या, तुमने मेरे दुख का भी ख्याल किया है? ओह तेरा दुख, अरे तुझे कौन सा दुख है? रात रात भर नींद नहीं आती, रह रह कर तीस से उठती है दिल में,
बेचैन हो जाती हूँ सावन। मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ गौरा, मैं तेरे दिल की किताब भी पढ़ चुका हूँ। अच्छा ये तो बता कि तू मुझसे कितनी मोहब्बत करती है? इतनी बस? अरे मुझसे पूछ के मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ बताओ तो सही। बताऊ? मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। अरे मुझे शर्म नहीं आ रही, तुम बड़े हो। फिर नाराज हो गई? मैं सच कहता हूँ गौरा, मैं तेरा हो चुका हूँ, लेकिन जब तक हरी के दिए हुए वचन को पूरा ना कर लूं तुझे मेरा इंतजार करना होगा। तू मेरा इंतजार करेगी ना? मैं औरत हूं सावन, और औरत एक मर्तबा जिस दीवार के साए में बैठ जाती है वही अपनी जिंदगी गुजारती है। अच्छा अब मुझे काम करना है, मुझे बहुत काम करना है, जा। मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ रहकर तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। अरे वाह, ये भी अच्छी जबरदस्ती है, जा जा। नहीं सावन, तुम नहीं जानते कि तुमसे जुदा होकर मैं कितनी बेचैन रहती हूँ। मन नीले बन के लकड़ी की तरह सुलगती ही रहती हूँ। पल के उठा मेरी जान गम न कर, दिन जुदाई के ये भी गुजर जाएंगे। जब तलक तेरी बाहें मिलेंगी मुझे, तब तलक तो ये सुख बिखर जाएंगे। भीगी पल के उठा फिर भी तेरे दीवाने किधर जाएंगे। भीगी पलकें उठा जिंदगी है तो मिल ही रहेंगे गले, जिंदगी है तो मिल ही रहेंगे गले। जा रही है बहारें तो जाने भी दे, जा रही है बहारें तो जाने भी दे। दिन तो मिले जिंदगानी के दिन, क्या ये दो दिन भी गुजर जाएंगे। भीगी पलकें उठा मेरी जान न कर, दिन जुदाई के ये भी गुजर जाएंगे। जब तलक तेरी बाहें मिलेंगी मुझे, तब तक
ही पल के उठा। चाचा का सब तेल तैयार। अरे आओ आओ चाचा, बड़े अच्छे वक्त पे आए। ये लो तुम्हारा सारा तेल तैयार है। बस मुझे विश्वास है बेटा, तुम जरूर मेरा काम पूरा कर दोगे। तुमने मेरी लाज रख दी, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा सुखी रहोगे और तुम दोनों की जोड़ी। चाचा चाचा, मैं जानता हूँ बेटा कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, मगर तुम्हारे मिले हुए दिल कभी जुदा ना होंगे। जैसा तुम्हारा मन साफ है वैसा दिया का भी। अरे खड़ी क्या देख रही है, चाचा के चरण छू, कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा। अखंड सौभाग्यवती जी जाओ बेटा, खुश रहो। अच्छा चाचा अभी इजाजत दीजिए। अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राजू तेरी मोटर तो बहुत अच्छी है, तू मुझे रोज चलाने देगा? हाँ रोज की रोज दूंगा। ए राजू, तूने इसे अपने मोटर क्यों चलाने दिया? चल हट, हट, चल, बैठ गई है मोटर में। कैसे चलाने से मोटर टूटेगी? अरे बाप के सामने बोलता है बुद्धू, ये क्या जाने इन चीजों से खेलना। मत खेला कर इस लड़की के साथ, समझा? इसके साथ ना खेलो तो बाप के साथ खेलो। अरे फिर बोलता है बाप के सामने मारूं? हाँ डांस क्या निकालती है? मुझे आंखें ना दिखा लाला, मैं बिल्ली हूँ बिल्ली, यू नो चलूंगी। तू भी हंसता है फिर हंसे? क्या छोड़ दे अपनी कटारा मोटर। मैं अपने चाचा से जाके कह दूंगी कि मुझे इससे भी अच्छी मोटर लेके आए। इससे भी अच्छी मोटर लेके आए। अरे चाचा तो तेरा भिखारी है, खबर बता दो मेरे चाचा को भिखारी का तो क्या कर लेंगे। अरे छोड़ छोड़, चल चल तू घर चल। अरे ये मोटर तेरी बाप उठाएगा। सावन अब ठेकेदार की नौकरी थोड़ी करेगा। अरे क्या हुआ बेटी? चाचा मुझे लाला ने मारा। लाला ने तुझे मारा? जरा चल तो सही, मैं भी उसका मिजाज दुरुस्त करता हूँ। तब हमारे दाम जो तुमने ये दरवाजा खोला और आज इसे खाना वाना कुछ नहीं देना। तो क्या बच्चे को मार डालोगे? कोई नहीं मरता, तुम्हारे लाल प्यार ने इसको खराब कर रखा है। चुप, नहीं तो यही सब मारूंगा। देखो अब भी जबान लड़ा रहा है कम्बक। क्यों नहीं लड़ाएगा, जैसा बाप वैसा बेटा। क्या कहा क्या कहा, फिर तो कहना है तो झाम पर मारूंगा। सावन अरे सावन, आज तुम कहाँ रसना भूल गए? तुम्हारा मिजाज पूछने आया मुझे ना। याद रखना, मैं तू ही अपलाती नहीं है, मैं भी अपनी बच्ची को मोटर दिला सकता हूँ, समझा? अगर तूने आइंदा कभी हाथ उठाया तो मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। लाला के हाथ में हुए मुनी हुई है, हटो, मैं मार देता हूँ अभी जान से। सावन भैया मुझे माफ करना, सावन भैया उस रोज नदी के किनारे मैंने बकवास की थी, मैंने झट मारी थी भैया, माफ करना। घबराओ नहीं ठेकेदार, अपनी जगह पे बैठ जाओ। बैठ जाओ। मगर ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया भैया तुमने? दरवाजा इसलिए बंद किया है कि हमारी आवाज बाहर ना जा सके। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आज अपनी इज्जत गिरवी रखने आया। मैं समझा नहीं सावन भैया। वादा करोगे किसी से कहोगे नहीं? हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी से नहीं कहूंगा भैया। मैं आज नौकरी मांगने आया हूँ, वो भी तुम्हारे यहाँ। सच? हाँ सच। बड़ी खुशी से। तो
तो फिर निकालो 25 रुपए पेश की। 25 रुपए? हाँ लो 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 25 रुपए लो सावन भैया, ये लो। और जबकि तुम खुद चल के मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें 4 रुपए की जगह 5 रुपए रोजाना दूंगा। अरे सावन भैया तुम बड़े अच्छे हो सावन भैया। अरे साइकिल नहीं है पत्नी, ये मोटर है। तू कहती थी ना कि चाचा राजू मोटर में बैठ के फिराए, अब तो मेरी बेटी भी मोटर में बैठ के फिराए। देख चाचा मेरे लिए मोटर लेकर आए। अरे बैठ के तो देख क्या माँ 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 चीज रही है। देख क्यों पसंद है ना? हाँ बैठे बैठे बैठ तो सही। शाबाश शाबाश, अब लगा एक चक्कर। मोटर है तो अच्छी, लेकिन कितने में लाए हो भैया? यही कोई 20 रुपए की होगी भाभी। 20 रुपए? क्या किसी से कर्ज लिए थे? सावन और किसी का कर्जदार बने? फिक्र ना करो भाभी, अब कभी किसी से एक पाई भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? बस ये ना पूछो भाभी, इस राज को राज ही रहने। ये ले, कितने दिन हो गए पैसे नहीं लाके दिए, जल्दी आना। टून 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 टून, बोल जल्दी, बैंक में जाना। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। चांदी की है, बड़ी सुंदर है। लो मैं तुझे पहना हूँ। ये चूड़ियाँ या गले के हंसले कितने बड़ी हैं, देख जब क्या हो गया। फिर मैं नाप लेता हूँ, नाप लेना ही भूल गया था। मैं नाप ले रहा हूँ ना, अभी आया ख्याल में। इसे आदि होनी चाहिए। जब भी तेरा हाथ जल्दी निकल, कुछ देख लेगा तो। पापू पापू जल्दी निकल। टुंटुल, अरे मेरा हाथ टूटा जा रहा है। तेरा हाथ जल्दी निकल, भगवान बचा दो। अब कभी भगवान, मैंने तुझे मना किया था कि इसी दुकान में ना, फिर क्यों आई? पिताजी बात ये, मैं मालिश के लिए तेल लेने आई थी। दूसरी दुकान है नई थी तेल लेने के लिए। पिताजी उधर सड़ा हुआ माल मिलता है, इधर सूखा माल मिलता है। चक्कू के बच्चे, मैं तेरी चक्की बना दूंगा, इधर फुर्का बना दूंगा। रावण सिंह जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं दुकानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। रावण सिंह जी मेरा कोई कसूर नहीं है। कहाँ गया? अरे किधर चला गया? अच्छा बेटा, ऊपर चल के बैठा है, तुझे आसमान से नहीं ला सकता हूँ। खेल, अरे खेल जरा। अरे खेल जाना, बच्चा देख के माता है। अरे बच्चा देख के माता, बच्चा देख के माता। अरे रावण सिंह जी मैं मर गया, कठिन मर गया, मर जा। पिताजी जग्गू कैसा है? जग्गू का जहन्नम है, उसने मेरा चैन निकाल दिया। ओहो, अरे चल ये ना चल चल। ये रावण सिंह ने मेरा खत्म कर दिया, भोसा कर दिया। हा हा हा, ये तो अरे पाइजे का ही तो माझी चटनी झाली। ये रावण सिंह ने मेरा भुर्ता कर दिया है, जा। एक आने का धनिया तो दे। हाँ धनिया दे बाबा। अरे जग्गू तूने कुछ सुना है कि सावन आजकल क्या धंधा करता है? नहीं तो। सुना है कि बहुत सा रुपया लेकर आता है, और कहाँ से लाता है? मुझे नहीं मालूम। क्यों छिपाता है रे? अब तो सारे गाँव में चर्चे हो रहे हैं। अभी तुलसी मंदिर जा रही थी, मैंने उससे भी पूछा तो भोले मुँह से कह रहे मुझे नहीं मालूम। आखिर चोरी कब तक छुपी रहेगी? अच्छा अच्छा धनिया ला बाबा। ये ले जा।
भगवान से डरता तो ऐसे काम ही क्यों करता। दिन रात गायब रहता है सावन, और जब भी आता है कभी कपड़े लाता है कभी बर्तन लाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो चोरी ही करके लाता है। लेकिन मेहनत मजदूरी करके तो इतने पैसे नहीं मिल सकते। तुम देख जाओ, सब मालूम हो जाओ। शास्त्री जी, ये दक्षिणा। ब्राह्मण तुलसी, मैं तुम्हारी दक्षिणा नहीं ले सकता। क्यों शास्त्री जी? हराम की कमाई की दक्षिणा को मैं छूना भी पाप समझता हूँ। हराम की कमाई? और नहीं तो क्या। ऐसे पवित्र स्थान पर बैठकर कम से कम आपको तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सारा गांव यही कह रहा है तुलसी, और जब एक बात को सारा गांव कहे तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होगी। ठीक है, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई बोलने वाला नहीं, इसीलिए मुझे सारा गांव बदनाम करता है। लेकिन इस हजार हाथ वाले से तो आपको डरना चाहिए। जाओ तुलसी, मेरा वक्त खराब ना करो। समझ में आ गया गंगू भाई, आज तुलसी को मालूम हो जाना चाहिए कि सावन रुपया कहाँ से लाता है। ये एक जहरीला तीर है, निशाने पर लगना चाहिए। आप देखिए तो सही लाला जी, मैं कैसी आग लगाती हूँ। शाबाश गंगू भाई, तुमसे यही उम्मीद है, आग लगाने में बहुत तेज हो। ये लो बच्चों की मिठाई के लिए। अजी इसकी क्या जरूरत है, रखो और जाओ ना गंगू भाई। मुझे भी दो रोटी, मैं भी गाय को खाना खिलाऊंगी। क्यों रे तुलसी, क्या नाक लिए फिरती है गांव में, ये क्या ढूंढ रचाया है? क्या हुआ काकी? बिचारी बड़ी भूली है, कुछ जानती नहीं, विधवा हो गई है तो बाजार में जाके भीख मांग, हराम की रोटियों से क्यों पेट भरती है। काकी क्यों नाक बदनाम कर रही हो, दुखी दिल को और दुखाने से तुम्हें क्या मिल जाएगा। रात दिन मौज उड़ाती हो और कहती हो मैं तो दुखी हूँ। अपनी इज्जत का नहीं तो गांव वालों की तो इज्जत का ख्याल कर। ये बता सावंत इतना रुपया कहाँ से लाता है? मुझे कुछ नहीं मालूम काकी। तुझे सब कुछ मालूम है कि वो शहर जाके चोरी करता है, डाके मारता है और रुपए लाकर तेरी झोली में डालता है। बस ये ना पूछो भाभी, इस राज को राज ही रहने दो। अब चोरी खुल गई तो मुंह को ताला लग गया है। ऐसी कमाई खाने से तो अच्छा है कि तुम लोग किसी कुएं में कूद मरो। मोटी, मैं तेरी खबर लेती हूँ। सरोज सुनो तो सरोज। मोटी तेरे को मैं तुझे बता मुझे जरा बड़ी हो जाने दे, ऐसी खबर लूंगी कि वो भी याद करेंगे। ठीक है बेटी, चल माँ अब हम घर चले। चल चल। अरे आ गई मेरी बेटी आ गई। देख तो सही मैं आज क्या क्या लाया हूँ। ये तेरे लिए मिठाई और दादी माँ के लिए भगवान की मूर्ति और तेरी माँ के लिए शॉल। क्यों सरोज मत खाना ये मिठाई, रख दे इसे, इसको छूना भी हमारे लिए पाप है। आज तुम कैसी बातें कर रही हो भाभी? ले जा इस पाप की टोकरी को और ये शॉल भी ले जा और अपनी दिलाई हुई मोटर भी ले जा। चल सरोज चल बेटा। मेरी बात तो सुनो भाभी। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती, अब हमें तुम्हारी किसी चीज की भी जरूरत नहीं। जैसे भी होगा हम अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे पाप की कमाई का एक पैसा भी नहीं छुएंगे। पाप की कमाई? तुम अपने मन की बात तो बताओ भाभी, मैं तुम्हारा सारा वहम दूर कर दूंगा। सजा देने से पहले मेरा कसूर तो बताओ। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं, ये सब चीजें कहाँ से खरीदी जाती हैं? माफ करना भाभी, शायद मैं ये ना बता सकूं। क्यों नहीं बता सकोगे? अगर तुम सच्चे हो और मुझ पर विश्वास है तो ये सब बताने में क्या हर्ज है? मैं कह चुका हूँ भाभी कि इस राज को राजी रहने दो, फिर तुम मुझसे ये सवाल बार बार क्यों पूछती हो? क्योंकि यही सवाल मुझसे सारा गांव करता है और मेरे पास कुछ जवाब नहीं। ये सब बातें सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। आखिर ये राज मुझे बताते क्यों नहीं, किस लिए नहीं मुझे बताते? तुम नहीं समझती हो भाभी, इस भेद के खुल जाने से मेरी शान चल जाएगी, मेरा मान खत्म हो जाएगा। आज मुझसे सारा गांव करता है, मैं इस गांव में शेर की तरह चलता हूँ, फिर तो मुझे भेड़ बकरी की तरह सर झुकाकर चलना पड़ेगा। ईश्वर के लिए इस राज को राज ही रहने दो भाभी। अब तुम मुझे भाभी मत कहो, आज से न मैं तुम्हारी भाभी और न तुम मेरे जेठ।
इस रिश्ते की पवित्रता आज से खत्म होती है और जिस रिश्ते की पवित्रता खत्म हो जाए फिर हमें हमेशा के लिए तोड़ देना चाहिए। तुम चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन हमें मुख में बदनाम ना करो। मेहरबानी करके तुम यहां से चले जाओ, फिर कभी ना आना। तुम्हारी चीजें, तुम्हें भी मुबारक हो, लो अपने जाओ। अच्छा हुआ लाला जी आप मिल गए। कोई अच्छी खबर नहीं हो? अजी अच्छी क्या, बहुत ही अच्छी। भुण भुण भुण। आपका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है और सावन भी घर से निकाल दिया गया है। तब तो इस मौके से लाभ उठाना चाहिए। एक काम और करो। कहिए। आज की रात हरि की माँ अपने घर में नहीं रहना चाहिए। अजी लाला जी कौन सी बड़ी बात है, हरी की माँ ऐसी गायब होगी जैसे गधे के सर से सिंह। अरे शाम पांच गंगू पाई तुम जीते रहो, ये ना बच्चों की मिठाई के लिए। इसकी क्या जरूरत है लाला जी? गंगा बाई इसे की जरूरत है। माँ तुम हर वक्त भगवान की पूजा क्यों करती हो? भगवान की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। जो भगवान की पूजा करता है भगवान हमेशा उसकी रक्षा करता है। तो मुझे भी पूजा करना सिखा दो ना माँ। ये भी सिखा दूंगी, लेकिन सरोज जानती है बच्चों की सबसे बड़ी पूजा क्या होती है? माँ बाप की सेवा करना, अच्छी शिक्षा लेना और हमेशा सच बोलना, समझी? अरे दादी माँ आई है, जा दरवाजा खुल जाके। ये दादी माँ नहीं है माँ, ये तो लाला जी आए हैं। लाला जी इधर आओ। उन्हें यहाँ आने की तकलीफ क्यों देती है, मैं खुद अंदर आ जाता हूँ। अब चलो जल्दी। अरे अब्बा क्या करने तुम्हारे, ये एक और ये दो। सावन इस वक्त लाला का तुलसी के घर की तरफ जाने का क्या मतलब? लाला का तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया होगा चचा। जग्गू उस बदमाश के कोई एतबार नहीं, चलो चल के देख ही लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है। लाला जी आप और इस समय यहाँ? इस समय का इंतजार करते करते तो ये आंखें भी बूढ़ी हो गई हैं। मैं ये पूछने आया था कि तुम अपनी इस जवानी को इस विधवापन के बोझ तले कब तक दबाए रखना चाहती हो? जब तक मेरे सांस का तार न टूट जाए, जब तक मेरी आत्मा मरने वाले की आत्मा से न जाए। मरने वाले तो मर गए, अब जीने वालों का साथ दो तो तुम्हारे इस उजड़े हुए जीवन में फिर से बाहर आ जाएंगी। लाला जी आपको मुझसे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो नहीं आती लेकिन रहम जरूर आता है। तुम्हारी इस जवानी पर, इस सुंदरता पर और जा रही हो, घर में भी कोई नहीं है, छोड़ कैसे? हाथ तो छुड़ा लिया लेकिन आज दामन न छुड़ा सकोगी। खबरदार आगे कदम बढ़ाया, मेरे बढ़ते हुए कदम आज तुम न रोक सकोगी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो, मेरे पास चलो। पुलिस दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो, खोलो, चल, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल। मैं अपने पैसे से तुझे माला माफ कर दूंगा, अपनी दौलत से तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा, दरवाजा खोल। दौलत का लालच देता है शैतान, एक इज्जतदार औरत मर जाएगी लेकिन तू जैसे शैतान की दौलत पर थूकना भी पसंद नहीं करती। बदमाश ने दरवाजा अंदर से बंद किया। देख तुलसी, अगर तू सीधी तरह ना मानेगी तो मैं तेरी आंखों के सामने तेरे कलेजे के टुकड़े को अपने पांव से रोन डालूंगा। सुन लिया तूने? कोई परवाह नहीं, मैं सरोज का गला घोट कर उसे जान से मार डालूंगा। अरे चाचा बड़ा आया मारने वाला, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। सरोज
अब भी चाहता हूँ दरवाजा खोल दो नहीं तो बच्ची को हाथ से खो बैठोगी। लाला बच्ची पर हाथ उठाता है बेशर्म, मर्द है तो सावन का मुकाबला कर। ये ले। तू क्या समझता है कि लाला चूड़ियां पहनकर फिरता है? एक ही हाथ में ढेर कर दूंगा। जिन टांगों से चलकर ये पवित्र विधवा का अपमान करने आया था उनमें से एक टांग तो मैंने तोड़ दी है, अब दूसरी नहीं। सावन, वो टांग मेरे लिए बचा के रखो, जब दोबारा इस घर में आएगा तो वो टांग मैं तोड़ दूंगा। तुम नहीं जानते जग्गू, ये बहुत बस सावन। जब कोई अपना धर्म भूल कर बैठे तो हमें गुस्से में आकर इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। माफ कर दो इसे, माफ कर देने में भी एक बहुत बड़ी सजा है। सुन लिया लाला, इंसानियत से कहते हैं, और एक इंसान तू है, निकल जा यहाँ से। लाला एक टांग साबुत है, वहां तक जल्दी घर तक भाग जाओ। लंगर दिन पैसे के बैंगन 3.5, भागो भागो। नहीं बेटे, मैंने उसे काफी परेशान खिला दिया। बस चाचा, तुम तो बड़े बहादुर हो। अगर तेरे बाप का दूर जो ठहरा और फिर तेरा बाप तो मुझसे बहुत बहादुर था। अच्छा? हाँ, अच्छा बेटे, अब जान। नहीं चाचा, तुम रोज हमारे घर पे क्यों नहीं आते? ओहो, बहुत चालाक हो गई है तुम। जान। सावन, रूठे हुए जेठ को मनाने का यही समय है, जा जल्दी। विधवा भाभी से कब तक रूठे रहोगे? मैं किसी से नहीं रूठा, बल्कि मेरी तकदीर मुझसे रूठ गई जो मैं तुम्हारी नजरों में गिर गया। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो, तुम मेरी नजरों में गिरे नहीं, बल्कि तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में कई गुना ज्यादा हो गई। मुझे जग्गू भैया ने सब कुछ बता दिया, मैं अपने भूल पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने कई बार सोचा कि मैं तुमसे माफी मांग लूं, लेकिन शर्म से मैं अपना मुंह ही दिखा सकी तुम्हें। भैया अब आए हो तो अपनी भाभी को माफ किए बगैर नहीं जा सकते, मुझे माफ कर दो भैया, मैं तुम्हारे पास बढ़ती हूं। नहीं नहीं भाभी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें माफ कर। सावन भैया,
अब भाभी कहा है सचमुच जेड़ बन जाओ, और ये तुम्हारा गुस्सा है ना गुस्सा, इसको किमाम वाला पान समझ के खूब चबा चबा के खा जाओ। नहीं नहीं थूक दो। सावन भैया गुस्सा करना अच्छा नहीं, पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, जब गुस्सा आता था तो ऐसा गुस्सा आता था, ऐसा गुस्सा आता था कि बेटे घोड़ा तो नहीं लेकिन हम तुम्हारे लिए गधा लेके आए। चलो जब्बू चलो ठीक हो जाओ, शाबाश, अब हम अपनी बिटिया के लिए खिलौने लाया करेंगे। हमारी बिटिया स्कूल जाया करेगी, और मालूम है काहे पे जाएगी? हमारी बिटिया साइकिल पे जाया करेगी, घंटी बजाएगी। अरे ये घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सब कहां जा रहे हैं? ओ ये तो हमारी सरोज है, और ये तो राजू लाला का इकलौता लड़का, इनके अलावा गांव के सब लोग भी हैं। अरे हाँ, आज हर 12 साल के बाद आने वाली वही सावन पूनम की रात है, और ये सब नदी किनारे रंगरेलियां मनाने जा रहे हैं। चमक गई हो कैसे, चुनरी झलक गई हो ऐसे, कैसे बिजली चमक गई हो कैसे, चुनरी झलक गई हो ऐसे। इस तेरी लगा ने मोहे आज कसम से, कैसे लिया दिल मेरा हो, कैसे लिया दिल मेरा जरा बोल प्यार से, मटक गई हो ऐसे, अब कैसे बिजली चमक गई हो कैसे। दुनिया बोली बोली गिरे छोड़ कलैया मोरी, दुनिया बोली बोले गिरे छोड़ कलैया मोरी, तू और हम तो काहे का हम थामले भैया मोरी, तू थामले भैया मोरी, कमर लटक गई हो कैसे, कैसे कमर लटक गई हो कैसे, चुनरी झलक गई हो। पूर्णमासी के चांद, आज कितनी अंधेरी दुनिया का उजाला बना होगा तू, लेकिन मुझे तो क्यों फुर गया, क्या बदनसीब गौरा की दुनिया में हमेशा अंधेरा ही रहेगा। बदनसीब गौरा को मालूम होना चाहिए कि उसकी किस्मत का सितारा बहुत जल्द चमकने वाला है। सावन गौरा, मैं नहीं समझता था कि सावन की गौरा इतनी जल्दी निराश हो जाएगी। अभी न होंगी निराश, जवानी तो बीती गई सावन,
जवानी बीत गई तो क्या हुआ पगली, हमारी मोहब्बत तो भी जवान है। यकीन मानो गौरा, अब तुम्हें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। सावन गौरा, मेरा दिया हुआ वचन पूरा हो रहा है। जैसे ही सरोज का आखिरी इम्तिहान खत्म हो जाएगा, मैं उसके हाथ पीले कर दूंगा और फिर भी तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी ना। हमेशा हमेशा के लिए गौरा, हमेशा हमेशा के लिए। बलम, वो राजू अभी तक नहीं आया। सरोज ने रोक लिया होगा लाला जी। सरोज राजू के बगैर एक पल भर भी तो नहीं रह सकती। पिताजी आओ बेटा, एक मिनट लीजिए। राजू, पिताजी से कह दो ना कि हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर आने में कुछ देर हो जाए तो चिंता ना करें। समझ गया बेटा, समझ गया। चिंता तो नहीं करूंगा, लेकन फिर भी जल्दी आ जाना। तो एक और ले लीजिए पिताजी, फिर इसके बाद लीजिए ना लीजिए। वाह, शरीर हो गया, शरीर है। लाला, राजू को तुम बहुत ढील दे रहे हो। तुम तो जानते ही हो सरोज किसकी बेटी है। जानता हूँ बल्लम, और ये भी जानता हूँ कि सरोज और राजू दोनों बचपन के साथी हैं। लेकिन बचपन की संगत जवानी के प्यार में ढल रही है। ढलने दो बल्लम, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि इन दोनों की मोहब्बत इतनी बढ़ जाए कि एक दूसरे से बिछड़ने के लिए तैयार ना हो, और वो घड़ी मेरे इंतकाम की घड़ी होगी। दिल वालों, जमाने हैं ये प्यार के। ओहो 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 ओहो, देखो ना बहार है, देखो क्या बहार है। रस्ते नए हैं, राही नए हैं, अरमां हैं जवां जवां। चल काकी मेरे मंदिर से परे, पिया मौसम ये फिर कहां। ओ मत वालो, चलो भी दिल हार के। ओहो 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 ओहो, दिल का सामना हो मुझको थामना, हुआ दिल का सामना हो। तहकीर चांद मुझको संभाल, देखो डूबे नशे में हम। जगमग है जमी, चलते हैं कहीं, पढ़ते हैं कहीं कदम। जब आंचल तेरा उड़े, ओ जुल्फे खोलो घटाओं को पुकार के। ओहो 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 ओहो, जुल्फे खोलो घटाओं को पुकार के। ओहो 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 ओहो, कहीं चलो, कहीं चलो।
चंदू सुना, दुकान छोड़ के कहीं नहीं जाना, और चुनते आए तो उसको सावन की दुकान में भेज देना। हाँ जग्गू, जग्गू क्या सुन दे, वो गया सावन की दुकान पर, वो जा रहे हैं। जग्गू जग्गू क्या लाई? देख जग्गू, मैं तेरे लिए कितनी सलोनी रोटी लाई हूँ, अपने प्यारे हाथों से बनाई है मैंने, और पिताजी से छुपा लेंगे तेरे लिए। अच्छा तो मुझे खाने दे। खा जा खा जा, मैं देख लूँ और तू मुझे खिला। अच्छा अच्छी है। मेरा मुंह जल गया, मेरे मुंह में आग लग गई, अब मैं सावन के यहाँ कैसे जाऊँ, कैसी खुशखबरी सुनूँ? सावन का मजा आज तो कैसा कर जग्गू, आज हम दोनों खाना खाएंगे और गाना गाएंगे, जाना नहीं नहीं मुझे सावन के यहाँ तो जाना है, खाना और गाना कल मेरी तुम तुम जग्गू छोड़ गए बालम, हाय अकेला छोड़ गए। अच्छा जग्गू फिर तो आएगा तू, ये लो मत सुख। अरे आजा 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 आजा, बड़ी देर लगा दी तूने, ये तो बता कि तेरी परीक्षा का नतीजा क्या? चाचा मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुई हूँ। तू फर्स्ट डिवीजन में पास हुई है? अरे वाह वाह वाह, आज मेरी खुशी कोई ठा नहीं। मैंने हरी को मरते समय जो वचन दिया वो अब पूरा होगा। कैसा वचन चाचा? मेरी बिटिया दुल्हन बनेगी, मैं अपनी बिटिया की बड़ी धूमधाम से शादी रचाऊंगा। अरे हाँ मैं तो भूल गया, ये ले, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या लाया? ये लॉकेट। मुझे मालूम था कि मेरी बिटिया इम्तिहान में पास हो जाएगी। अरे हाँ ये तो बता, पद्मनी का क्या हुआ? वो तो फेल हो गई चाचा। फेल हो गई? हाँ बहुत कंपटीशन करती थी मेरे साथ। अच्छा ले तेरी दादी भी आओ। चाची आओ। अरे हम सब तेरा घर में इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ बैठी है। अच्छा बता तो सही, तेरे इम्तिहान का नतीजा क्या निकला? वो दादी माँ। अरे बता ना, अब रो क्या रही है? अरे माँ मैं फेल हो गई। फेल हो गई? और नहीं तो क्या चाची, ये दिन भर साइकिल पे नाचती गाती फिरती है, पढ़ने लिखने का तो इसे कोई शौक नहीं, फेल नहीं होगी तो क्या पास होगी? बेटी तूने अपने चाचा की आशाओं पे पानी फेर दिया, कितना पैसा खर्च किया था बेचारे ने, बस आज से पढ़ाई वढ़ाई बंद। सुन लिया तूने क्या कह रही है तेरी दादी माँ? अरे मुझे तुम क्यों कह रही हो? दादी माँ मैं पास हो गई हूँ। पास हो गई? हाँ और वो भी अव्वल नंबर। तो तुम दोनों मुझे बना रहे हो? सावन लो। सावन जग्गू भी आ गया। अरे आजा 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 बेवकूफ आजा। सावन पता नहीं वो सावन क्या हुआ? मैं तो लग गया। हुआ क्या? क्या हुआ न जाने, वो भैंसा सुर ने मुझे क्या खिलाया, मेरा मुंह जल गया, मैं मर गया, मैं तो खला। अच्छा 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 फिक्र न कर, अब तू मिठाई खा ले तब मुंह ठीक हो जाएगा। मिठाई? हाँ। किस खुशी में? तुझे नहीं मालूम? नहीं। अरे बिटिया पास हो गई है अव्वल नंबर में। बिटिया पास हो गई, अब मुझे पानी नहीं चाहिए, अब तो मैं मिठाई खाऊंगा। अच्छा बेटी अब अपनी माँ को भी यह खुशखबरी सुना दे। मेरी अच्छी दादी तुम जाकर सुना दो, आज मुझे बहुत काम है, जलसे की तैयारी करनी है। जलसे की? ये जलसा कौन सा बेटे? हाँ चाचा वो हम लोगों के पास होने की खुशी में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। अच्छा। और जितने लड़के लड़कियां हैं ना सबके माँ बाप आए हैं, तुम भी चलोगे ना चाचा? हाँ बेटे तेरा और कौन है, मैं जरूर चलूंगा। मेरे अच्छे चाचा। तू भी चलेगा? मैं जरूर चलूंगा। हाँ। लेकिन चाचा देखो तुम्हें नाचना पड़ेगा। मुझे नाचना पड़ेगा? नहीं नहीं मैं तो पाँव घर पे रख के आएगा। पाँव घर पे रख के आएगा, हम तुझे गोद में उठा के ले। लहरों में झूल के खुशियों में
दूर कहीं बसती से सपनों की बस्ती में, दूर कहीं बसती से सपनों की बस्ती में, थाम के बीता एक हाथ जमाना, दिल को थाम के बीता एक हाथ जमाना, जाके आज लबों पे घूम रहा है तराना, जाके आज लबों पे घूम रहा है तराना। शराबी चाल है शराबी, चाल है गुलाबी, भूल भूल गए लहरों में झूल के, खुशियों में भूल के, देखो जैसे मन चले हाले रंग मंगाने चले, देखना पड़ना भूल के लहरों में झूल के, खुशियों में भूल के, देखो जैसे मन चले हाले रंग मंगाने चले, देखना पड़ना भूल के। क्यों सावन, तुम इस तरह महफिल से उठकर बाहर क्यों चले आए? देखो लाला, तुम अपने लड़के को समझा दो कि वो मेरी सरोज से बातचीत करना बंद कर दे। तुम्हें नहीं मालूम सावन कि बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब राजू और सरोज एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ये बकवास है। ये सच है और तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। अब मेरी जबान से भी सुन लो कि इन दोनों की मोहब्बत की चिंगारी एक दिन भड़क कर शोला बनने वाली है। शोला बनने से पहले मैं इस चिंगारी को खाक कर दूंगा। कोशिश कर देखो। लाला लाला तुम चले जाओ यहां से। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से। जा तो रहा हूं। चले जाओ यहां से, सारे गांव की जमीन मोल ले ली है। पिताजी क्या सोच रहे हैं? तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा हूं। मैं जितना सोचता हूं उसका उतना ही मुझे यकीन होता जा रहा है कि तुम्हारा अब सरोज के साथ मिलना बिल्कुल बंद किया जाएगा। पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं और यह मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन सरोज के साथ नहीं छोड़ूंगा। राजू तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं, अपनी जिद से बाज आओ। मुझे अफसोस है पिताजी, इस मामले में मैं आपका हुक्म नहीं मान सकता। राजू आज से तुम मेरे हुक्म के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकते, समझे? चलो घर। मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा पिताजी। जिस काम के लिए तुम्हें जाना है वो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। मैं कहता हूँ घर चलो। लेकिन आप मेरी बात पे यकीन? चलो घर। मानिए चाचा,
क्या बात हुई? आप चले क्यों हैं? मेरी गैरत ने मुझे मजबूर कर दिया था बेटी। एक गैर लड़के के साथ तुम्हारा इस तरह नाचना गाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। सरोज, मैं फिर कभी राजू के साथ तुम्हें बात करते देखना भी नहीं चाहता। आप तो नाराज हो गए चाचा। भला सोचिए तो, अब मैं राजू से बात करना कैसे छोड़ सकती हूँ? क्यों नहीं छोड़ सकती? बोलो। हम दोनों ने सौगंध खाई है। सौगंध? कैसी सौगंध? साथ जीने की और साथ मरने की। सरोज, मुझे मालूम न था कि मेरे सामने तुम्हारी जबान इतनी खुल जाएगी। मुझसे ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। चाचा। नहीं सरोज, तुम अभी नादान हो। मैं तुम्हें आज से नहीं खेलने दूंगा। चाचा, आज आप इतने कठोर क्यों हो गए? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आपने मेरी किसी भी इच्छा को ठुकराया हो। मेरी जबान से निकलने से पहले उसे अपने दामन में लेने वाले चाचा, आज आपको क्या हो गया है? काश आज मेरे पिताजी जिंदा होते तो वो मुझे कभी ना नाराज करते। सरोज, चाचा, कहाँ है वो दिल जो सरोज की आंखों में आंसू देखकर तड़प उठता था? कहाँ है वो आंखें जो सरोज की मुस्कुराहट देखने के लिए बेचैन रहती थी? चाचा, आज आपको क्या हो गया है? चाचा, चाचा, मैं तुझे कैसे समझाऊं बेटी? मैं तुझे कैसे समझाऊं? मगर आप मुझे यकीन क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यकीन की हाल? पिताजी, मेरी बात तो सुनिए ना पिताजी। सरोज, वहीं ठहर जाओ, मैं तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहता। लेकिन मुझे राजू से बहुत जरूरी काम है। तुम मुझसे नहीं मिल सकती, जाओ यहाँ से। आज तक आपने ऐसा कभी बर्ताव नहीं किया, फिर आज ये पाबंदी किस लिए? ये जाकर अपने चाचा से पूछो जो तुम दोनों की प्रेम चिंगारी को शोला बनने से पहले ही कुचल डालना चाहता था, लेकिन मैं देख रहा कि ये चिंगारी शोला बन चुकी है। जाओ अपने चाचा को साथ लेकर आओ, वरना दोबारा इस घर में कदम नहीं रखना। जाओ, मुझे भी बाहर जाना है। सरोज, सरोज प्लीज दरवाजा खोलना। सरोज, सरोज दरवाजा खोल। सरोज, सरोज, सरोज। राजू, चिंता न करो सरोज, दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारे पिताजी? मुझे किसी की परवाह नहीं सरोज, मुझे किसी की परवाह नहीं। अगर तुम मेरे साथ हो तो पिताजी क्या मैं सारी दुनिया से टक्कर ले सकता हूँ? सरोज, को तुम क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ राज, तुम खुद मेरे चाचा से बात क्यों नहीं कर लेते? मेरे चाचा बहुत अच्छे आदमी है, मुझे विश्वास है कि वो हम दोनों की खुशी को कभी नहीं डालेंगे, मुझे यकीन है। मैं ही बात करूंगा सरोज, मैं जरूर बात करूंगा। राज, चाचा आप इस बात की कोई चिंता न करें, मेरे बापू अगर मेरी शादी में शरीक होंगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर ना हुए तो मुझे इस बात का कोई दुख ना होगा। लेकिन बेटा जरा ये तो सोचो कि तुम अपने बाप को नाराज करके घर में कैसे रह सकते हो? मैं घर छोड़ दूंगा चाचा, और साथ बापू को भी छोड़ दूंगा। नहीं राजू, मैं तुम्हें इस गलत रास्ते पर चलने का मशवरा हरगिज़ नहीं दे सकता, और बाप को नाराज करके शादी करने का ख्याल तो तुम दिल से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे और सरोज दोनों के लिए खतरनाक है। लेकिन चाचा। लेकिन यकीन कुछ नहीं राजू, तुम नौजवान हो और आजकल के नौजवान सिर्फ आज ही की सोचते हैं, कल की नहीं। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो दुनिया सरोज को ताने देगी कि उसने बाप को बेटे से अलग कर दिया। तुम दोनों बदनाम हो जाओगे बेटा। मुझे बदनामी की कोई परवाह नहीं। तुम मर्द हो राजू, मर्द बदनाम होकर भी सर ऊंचा करके चल सकता है, लेकिन सरोज स्त्री है, स्त्री बदनाम होकर इस संसार में कभी सर नहीं उठा सकती। तो क्या इसका यह मतलब कि शादी नहीं होगी? हरगिज़ नहीं होगी। सावन, तुम तो इस चिंगारी को शोला बनने से पहले ही कुचल डालना चाहते थे ना, और अब शादी की बातें कर रहे हो। आखिर तुम हार गए। लाला, मैं हार जरूर गया हूं, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि मैंने अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए अपनी सरोज की इच्छा के आगे सर झुका लिया है। ये मेरी जीत है लाला, ये मेरी जीत है। और तुम,
तुम अपनी जिद को पूरा करने के लिए अपनी औलाद को अपने हाथों से खो रहे हो। ये तुम्हारी हार है लाला, ये तुम्हारी हार है। राजू, अगर तू अपनी जिद पूरी करने पर तुला हुआ है तो मेरी ये बात कान खोल कर सुन ले। तू तो अपनी कीमत नहीं जानता, लेकिन ये लोग तो तेरी कीमत अच्छी तरह जानते हैं। पूछ इनसे जहेज में कितना रुपया मिलेगा। बापू, जो माँ बाप अपने कलेजे का टुकड़ा काट कर पराए हाथों में दे देते हैं, उनसे आप और क्या मांग सकते हैं। ये हमारे खानदान की रस्म है, और जब तक ये रस्म पूरी नहीं होगी शादी नहीं होगी। सावन, कहो क्या कहते हो। फिक्र न करो लाला, सावन गरीब जरूर है लेकिन तो खाली हाथ नहीं भेजेगा। कितना रुपया दोगे? तुम्हें कितना चाहिए? 5,000। कितना? 5,000 सावन, 5,000। चाचा इनकी बातों में ना आइए, शादी मेरी हो रही है, मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। आप शादी की तैयारी कीजिए। राजू, तू मेरी मर्जी के बगैर शादी करेगा? अरे तूने अभी अपने बाप को पहचाना ही नहीं, मैं भी देखता हूं कि ये शादी किस तरह होगी। चाचा, चाचा आप मेरे बापू की धमकी में ना आइए। नहीं बेटे, लाला की इच्छा पूरी करनी ही होगी। देखिए 5,000 रुपए, 5,000 इसका भी इंतजाम करना ही होगा, इसका भी इंतजाम करना होगा। 2,000 सावन की पूरे खेत की कीमत 2,000, और कोई बोलने वाला है सिर्फ 2,000 नहीं तो 2,001, 2,002, और बोलो 2,003। 1,600 रुपया सावन की दुकान की कीमत सिर्फ 1,600 रुपया, और कोई बोलता है 1,600 रुपया, 1,600 रुपया एक, 1,600 रुपया दो, 1,600 रुपया तीन। सावन के इस घर की कीमत 1,400 रुपया, बोलो भाइयों सिर्फ 1,400 रुपया। 1,450, 1,450, 1,500, 1,500, 1,500, और कोई बोलता है 1,501। तीन बोलने से पहले सोच लो भाई लोग, 1,501, 1,502, 1,503। सावन चाचा ने हमारी खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। राजू, चिंता न करो सरोज, वक्त आने पे हम भी इन्हें खुश कर देंगे। आओ चले। लाला, ओ लाला, आओ सावन, कैसे आए? ये लो अपना 5,000 रुपया, गिन लो। मुझे विश्वास था सावन के तुम रुपए का बंदोबस्त कर लोगे, इसीलिए मैंने ब्याह का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। परसों का दिन निकला है, बड़ी शुभ घड़ी है। तो फिर हम ब्याह की तैयारी करते हैं। ठहरो सावन, कुछ और भी सुनते जाओ। यह हिसाब तो तुमने चुका दिया, लेकिन याद है हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बहुत पुराना हिसाब चला आ रहा है। कौन सा हिसाब लाला? ये टांग तुमने तोड़ी थी ना, आज तक ये हिसाब मेरे दिल की किताब में लिखा हुआ है। शादी से पहले तुम्हें ये हिसाब भी चुकाना होगा। वो कैसे? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, और टांग के बदले टांग। मैं तुम्हारी टांग भी टूटी हुई देखना चाहता हूँ। क्या बकवास करते हो लाला, किस माई के लाल की हिम्मत है जो सावन की टांग तोड़ दे। तुम में बड़ी हिम्मत है सावन, उस दिन तुमने अपनी लाठी से मेरी टांग तोड़ी थी, आज मेरी लाठी से अपनी टांग तोड़ लो। ला जी तो यही चाहता है लाला कि आज इस लाठी से तुम्हारा सर तोड़ दूं। लेकिन क्या करूं, मजबूरी की हथकड़ियां मेरे हाथों में पड़ी, मेरे सामने मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल, मैं इन खून में डूबे हुए हाथों से
अपनी सरोज के माथे पर तिलक कैसे लगा सकूं? लेकिन सेहरा उसी वक्त बंधेगा सावन जब दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा, और अगर ये शर्त मंजूर नहीं तो उठाओ अपना रुपया और चले जाओ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, शादी की तैयारी करो। नहीं सावन, पहले मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी इच्छा पूरी न हुई तो लगन मंडप से बारात वापस ले जाना, समझे? तुम्हारी इच्छा पूरी न हुई तो बारात लाल मंडप से वापस ले जाना। लाला, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी न हुई तो बारात लगन मंडप से वापस ले जाना। शादी अभी नहीं होगी। पिताजी, हम दोनों ने फैसला किया है कि पहले सावन चाचा की शादी हो जाएगी तो फिर हम शादी करेंगे। अब तो उनकी शादी हो ही जाएगी, पहले तुम तुम्हारी शादी कर लो। नहीं जग्गू चाचा, जरा गौरा चाची की तरफ तो देखो, बूढ़ी हो गई हैं, बाल सफेद हो गया है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं। मैं जानती हूँ सावन चाचा ने इनसे इतना लंबा इंतजार इसलिए कराया कि वो पहले हम दोनों की शादी करा देना चाहते थे। जबकि हमारी खुशी के लिए सावन चाचा ने अपना सब कुछ लुटा दिया, तो हम भी अपनी शादी उनकी शादी के बाद ही करेंगे। कहाँ है सावन चाचा? तुमने बड़ी हिम्मत से सावन, उस दिन तुमने अपनी लाठी से मेरी टांग तोड़ी थी, आज मेरी लाठी से अपनी टांग तोड़ लो। तोड़ लो सावन, उठाओ लाठी। क्या बात, सावन चाचा नहीं दिखते, कहाँ है वो? सावन चाचा, सावन चाचा। राजू बैठ जा, बड़ा आया है सावन चाचा वाला। बेवकूफ, पहले अपनी शादी की तो खैर मना, उसे ढूंढने चला है, वो तो कहीं मुंह छुपाए बैठा होगा। मुंह छुपाए किस लिए? पिताजी आप कुछ छुपा रहे हैं, बताइए ना पिताजी। सुनना ही चाहता है तो सुन, मैंने सावन से टांग के बदले टांग की शर्त लगा रखी है। पिताजी। हाँ, और जब तक लाला के इंतकाम की प्यास नहीं बुझेगी तेरी शादी भी नहीं हो सकती। मतलब ये
कि आप अपनी औलाद को ढाल बनाकर सावन चाचा से अपनी दुश्मनी का बदला लेना चाहते हैं, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन सावन चाचा की टांग नहीं टूटेगी। जी क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? बताता हूँ, मेरी भोली वाली बच्ची उसकी दुकान में मालिश का तेल लेने जाती थी। अच्छा। और अब वो साड़ी लिए बेचैन है और वो भागा भागा फिरता है। अच्छा ये बात है, क्यों भाई जग्गू, अब क्यों छुप रहा है? अरे प्यार करे तो डरना क्या, जब ओखली में सर दिया है तो फिर मुसलों की क्या परवाह। शादी कर सर। नहीं नहीं सावन भैया, मैं अकेला शादी नहीं करूँगा, तुमको भी शादी करनी पड़ेगी। गौरा बहन भी तुम्हारे लिए बैठी है देखो। और पंडितों का कहना है कि इस साल जो शादी करेगा उसकी यहाँ एक साल के अंदर जोड़वान बच्चा पैदा होगा, इसलिए तुम पहले गौरा से शादी कर लो, फिर मैं अपने टुनटुन से शादी करूंगा। चलो 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 जंगे करो, चलो चलो चलो।